गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ट्रेंडिंग टॉपिक वीडियो डेली अपलोड। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो की। ये बंदा आता है, जंप लेता है एंड इसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको यही वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको तीन क्लिप में वीडियो शूट कर लेनी है। फर्स्ट क्लिप में आपको आना है, जंप लेना है एंड सेकेंड क्लिप में आपको पैंट पहन कर आना है एंड उसी जगह पर जंप लेना है। और थर्ड क्लिप में आपको टी शर्ट या शर्ट पहनकर आना है और उसी जगह पर आपको जंप लेना है। आपकी तीनों वीडियो शूट हो चुकी हैं। अब इसे एडिट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको कैपकट एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड कर लेना या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना ना बोले। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। आपको कैपकट ऐप में तीनों क्लिप ओपन कर लेनी है एंड वीडियो पर टैप करना है। नीचे अगर आप खोजोगे तो एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ब्राइटनेस इसकी फुल कर लेनी है। 39 तक आपको इसकी ब्राइटनेस कर लेनी है। इसका जो लास्ट पार्ट है आपको डिलीट कर देना है एंड इसका वॉल्यूम कम कर देना है, म्यूट कर देना है। इतना करने के बाद थोड़ा सा आपको आगे जाना है। जब मैं जंप ले रहा हूँगा इतने पर आपको स्प्लिट करना है एंड थोड़ा सा आगे जाना है, थोड़ा फिर से स्प्लिट एंड टू फिंगर से इसको थोड़ा खींचना है एंड वीडियो पर टैप करना है। स्पीड नॉर्मल, इसकी स्पीड बिल्कुल जीरो कर देनी है। इतना करने के बाद इतने पर आना है स्प्लिट एंड ये पार्ट डिलीट। अब हमारी एक क्लिप बन चुकी है, फर्स्ट क्लिप। अब आपको चाहिए सेकंड क्लिप। तो सबसे आपको आगे जाना है, तो आपको आगे जाना है, सेकंड क्लिप पर आ जाना है एंड जब मैं जंप ले रहा हूँ का थोड़ा बैक, इतने पर आपको स्प्लिट करना है एंड थोड़ा सा आगे पर स्प्लिट एंड स्पीड एंड इसकी भी आपको स्पीड जीरो कर देनी है। आपके पास दो क्लिप आ चुकी हैं एंड थोड़ा बैक एंड इतने पर स्प्लिट करके ये पार्ट आपको डिलीट कर देना है एंड फर्स्ट वाला पार्ट भी आपको इसका डिलीट कर देना है। अब हमारे पास दो क्लिप हो चुकी है, फर्स्ट और ये सेकेंड। अब आपको थर्ड क्लिप चाहिए तो आपको सबसे लास्ट में चले जाना है। ये हमारी थर्ड क्लिप है। इतने पर आपको स्प्लिट करना है एंड थोड़ा सा इतने पर आपको फिर से स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद इसकी स्पीड बिल्कुल जीरो कर देनी है। अब हमारे पास तीनों क्लिप आ चुकी हैं। ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है स्प्लिट करके एंड इसकी स्पीड नॉर्मल कर देनी है। अब हमारे पास तीनों क्लिप आ चुकी हैं एंड ये सेकंड क्लिप का पार्ट डिलीट कर देना है। अब हमारे पास ये तीनों क्लिप आ चुकी हैं। एक बार मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आपको क्या करना है एंड जो सेकंड क्लिप है इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। सेकंड क्लिप एंड और ये थर्ड क्लिप, यानी आपको सेकंड और थर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है और आपको फोटो रूम एप्लीकेशन में चले जाना है। इसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। स्टार्ट फ्रॉम फोटो पर क्लिक करना है और जो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ट्रांसपेरेंट पर आपको क्लिक करना है। आपको क्या करना है, पर्सन पर जाना है, एडिट कट पर जाना है। इसका नीचे का और ऊपर सर वाला पार्ट आपको रिमूव कर देना है। पर क्लिक करना है आपको एंड नीचे आप खोजोगे
तो आपको ब्लर का ऑप्शन नहीं मिला, ब्लर पर जाना है, मोशन पर जाना है, इसको थोड़ा कम कर देना है, 24 तक कर देना है, एंड शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्रॉस एंड सेव गैलरी। सेकंड फोटो का भी आपको बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है एंड इसका ऊपर वाला पार्ट भी आपको रिमूव कर देना है एंड सेव टू गैलरी। अब आपको कैप का टैप में चले जाना है, आपको कैप का टैप में आ जाना है एंड जो आपकी सेकंड क्लिप है इस पर आना है, ओवरले का ऑप्शन मिलेगा नीचे, ऐड ओवरले पर क्लिक करना है जो आपने अभी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया है उसको आपको ओपन कर लेना है। ये मेरा चौका है, थोड़ा सा इसको आगे कर लेना है एंड इसका ये पार्ट आपको डिलीट कर देना है। अब आपको इसे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है, एडजस्ट करने के बाद थोड़ा ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा की फ्रेम, इस पर आपको टैप करना है एंड पीछे जाना है, थोड़ा सा इतना जाना है और आपको ये इधर लाकर आपको ये छोड़ देना है। अब आपकी जो सेकंड क्लिप है इसमें जो आपकी टी शर्ट आती है तो आपको फिर से ऐड ओवरले पर जाना है एंड आपको फोटो सेलेक्ट करना है एंड आपको इसे थोड़ा सा पीछे लेकर आना है और आपको इसे इसके लेवल तक एडजस्ट कर लेना है एंड की फ्रेम पर टैप करना है एंड थोड़ा बैक जाना है एंड इसको इस साइड लाकर छोड़ देना है। और इसका जो बेस्ट पार्ट है इसे स्प्लिट एंड डिलीट कर देना है एंड रेडी वीडियो टू क्लिप फर्स्ट सेकंड एंड डन। आपको क्या करना है, इसको 1080 पिक्सल पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।